मनासा तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम आत्री बुजुर्ग में एक वर्ष पूर्व बालिका का नाबालिग सहित चार युवकों ने अपहरण कर लिया था। घटना के कुछ दिन बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन अब तक युवती लापता है। मामले में युवती के पिता राकेश जोशी ने पहले कलेक्टर SP को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया था कि अगर उसकी पुत्री को पुलिस द्वारा खोजा नहीं गया तो वह भूख हड़ताल पर बैठेगा, जिसके बाद आज मंगलवार को युवती के पिता अपने परिवार के साथ कलेक्टर कार्यालय परिसर स्थित मंदिर पर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पीड़ित पिता राकेश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि एक वर्ष पूर्व उसकी बेटी दोस्तों के साथ निकली थी। उसके बाद जनवरी में मामले में पुलिस ने चार युवकों को पकड़ा था, जिन्होंने बेटी का अपहरण करना भी स्वीकार किया था, लेकिन आज दिनांक तक बेटी वापस घर नहीं लौटी और न ही पुलिस ने उसे बरामद किया। जब भी पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस द्वारा अभद्र गालियां बकी जाती है। पिता ने बताया कि जब तक उसे उसकी बेटी वापस नहीं मिल जाती तब तक वह भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। न्याय की मांग ये कर रहे हैं कि आज मेरी लड़की को 13.5 महीने हो गए। 23 जनवरी 2021 को घर से डोज के हिसाब से निकली थी, उसके बाद घर पर नहीं आई। उसके ठीक 28 जनवरी 2021 को चारों लड़के पकड़े गए। उन्होंने कबूल कर लिया है, हमारे सामने कबूल किया है कि हम अपहरण करके ले गए थे वैन में। उसके बाद भी 1.5 महीने से 10 दिन में 8 दिन में 3-4 बार उन लड़कों को बुलाया, मुकदमा कायम नहीं किया। 10 फरवरी के दिन TI साहब ने हमसे गाली गलौज की, अभद्र तरीके से गालियां, अब ऐसी गालियां कि मैं कुछ इस बात पे कह नहीं सकता, पर ये जरूर कहूँगा कि क्यों रे लड़की, मुझे थाने से भगा दिया। हम दोनों भाई क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? चारों आरोपी ने कबूल लिया कि हम अपहरण करके ले गए हैं, उसके बाद हमें लड़की अभी तक नहीं मिली। चारों आरोपी पकड़े गए बिना पूछताछ के, 2 आरोपी को जेल भेजा है हमारे सामने, और एक संदीप माली पिता रमेशन माली, एक शाहरुख पिता इकरार था, इन दोनों से भ्रष्टाचार करके ने इनको जेल भेज दिया पैसे लेन देन करके। और मेरी लड़की का पता अभी तक नहीं चल रहा, मेरी लड़की के लिए बैठा हूँ। जब तक मेरी लड़की नहीं मिलेगी भूख हड़ताल जारी रहेगी। मुझे कानून पे तो भरोसा नहीं रहा है, आज भरोसा है तो सिर्फ भगवान पे। ये सत्य असत्य। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ MP, नीमच।